हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्वैप डाउन और लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, दोबारा से स्टेटस बार पे जाना है और अगर आपको यहाँ पर शो नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शो नहीं हो रहा है स्वैप डाउन और लॉक स्क्रीन, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। और जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सर्च करने के लिए मिलता है स्वैप डाउन। ये देखिए स्वैप डाउन और लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर शो हो जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे राइट साइड से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। तो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कनेक्ट, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट शो करना चाहते हैं, डू नॉट शो कर सकते हैं, और जो शो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से यूज कर सकते हैं और ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।